आपका वेदिका किचन किंग में स्वागत है। आज हम आपको शाम के नाश्ते में प्याज और आलू की पकौड़ी बनाकर दिखाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आलू को पतले पतले काट लेंगे। अब हम प्याज भी बारीक बारीक काट लेंगे। अब हम बेसन ले लेंगे एक कटोरे में। हमने इसमें मसाला डाल लिया, नमक डाल लिया स्वाद के अनुसार, अजवाइन भी डाल लेंगे, अजवाइन से टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। धनिया पत्ती काट लेते हैं। अब हमने इसमें काली मिर्च और जीरे का पाउडर डाल लिया। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, इसको अच्छे से घोलेंगे। अब हम चूल्हे में उपला और लकड़ी जलाएंगे। हम इस पे कढ़ाई रख देते हैं। कढ़ाई में हमने तेल डाल लिया पकौड़े को फ्राई करने के लिए। अब हमने बेसन में आलू डाल लिए। देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके आलू के पकौड़े को पहले डालेंगे। तलने के लिए लोहे की कढ़ाई का यूज करना चाहिए, सही रहता है, उससे कढ़ाई जलता भी नहीं है और पकौड़े भी अच्छे बनेंगे। अब हम इसे पलट लेते हैं। इसे हम दो चार बार पलटेंगे ताकि अच्छे से पक जाए। देखिए हमारे पकौड़े बन गए आलू के। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें इसी बेसन में हम प्याज को डालेंगे। हरी मिर्च भी डाल लिया हमने बारीक कटा हुआ, क्योंकि प्याज के पकौड़े में हरी मिर्च से टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। नमक डाल लेते हैं स्वाद के अनुसार थोड़ा बहुत। हमने उसमें मसाला डाल लिया। काली मिर्च जीरे का पाउडर डाल लिया। इसमें हम थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाल लेंगे। अजवाइन भी डाल लेंगे थोड़ा सा।
अब सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। शाम के नाश्ते में आलू और प्याज के झटपट पकौड़ी बना के हम तैयार कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा थोड़ा एक एक करके पकौड़ी हम जो है तेल में डालेंगे। इसे हम पलट लेंगे। देखिए पकौड़े का कलर भी कितना अच्छा आ रहा है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे हम चटनी के साथ और सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।